फ्रेंड्स, वेलकम टू माय श्री रसोई। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और थोड़ी सी नई रेसिपी शेयर कर रही। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओट्स इडली बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये आधा कप ओट्स, और मैंने यूज किए हैं सफोला मसाला ओट्स। और सभी जानते हैं कि ओट्स सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आप ही के लिए है। और आधा ही कप लिया है सूजी, आधा कप ओट्स, आधा कप सूजी, और एक कप मैंने लिया है बटर मिल्क यानी कि छाछ या मठा, आप इसे जिस भी नाम से जानते हो। एक से दो टेबल स्पून मटर के दाने, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, दो टेबल स्पून गाजर, और दो टेबल स्पून मैंने लिया है कैप्सिकम जिसे मैंने बहुत बारीक काटा हुआ है। वेजीज आप अपने पसंद से कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके घर में हो। थोड़े से करी पत्ते, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हम इस इडली में लाल मिर्च का यूज नहीं करेंगे। ये लिए हैं मैंने दो टेबल स्पून के करीब काजू जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है, आधा चम्मच उड़द की धुली हुई दाल, मस्टर्ड सीड यानी कि राई ये लिए मैंने एक टीस्पून, और टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक इस रेसिपी में थोड़ा कम ही लगेगा क्योंकि ओट्स में भी नमक होता है, आप उसी हिसाब से मैनेज करके नमक को डालें। और एक पिंच यूज करेंगे हींग, और एक से दो टेबल स्पून हम यूज करेंगे कुकिंग ऑयल। और अगर आपके पास स्वीट कॉर्न है तो आप इस रेसिपी में स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, फूल गोभी डाल सकते हैं, यानी वेजिस जो भी हो आप सब डाल सकते हैं। और एक पैकेट हम यूज करेंगे इनो फूड साल्ट। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक पैन रख देंगे, और पैन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे, और जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसके अंदर ये हींग डाल देंगे, राई डाल देंगे, राई के कूटते हम जो धुली उड़द की दाल डाल देंगे, करी पत्ता डालेंगे, करी पत्ते को मैंने थोड़ा सा तोल लिया है, हरी मिर्च डाल देंगे, ये सूजी डाल देंगे, और सूजी को इस्तेमाल में लाने से पहले आप एक बार छान जरूर लें। और हमें सूजी को भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा गर्म करना है, और मैंने सूजी को करीब एक मिनट तक इसी तरीके से गर्म कर लिया है। अब इसमें ये कटे हुए काजू डाल देंगे, गाजर भी डाल देंगे, हरी मटर के दाने डाल देंगे, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, और थोड़ा सा नमक, और एक मिनट तक हम सब्जियों के साथ सूजी को इसी तरीके से चला लेंगे। और उसके बाद हमने ये जो ओट्स लिए थे ये भी डाल देंगे, और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। मैंने इसे 30 सेकंड तक इसी तरीके से गर्म कर लिया है, और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ये जो हमने छाछ लिया था थोड़ा थोड़ा करके ये डालते जाएंगे, और मैंने पूरा एक कप छाछ इसमें डाल दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे जिससे ओट्स भी फूल जाएंगे और सूजी भी फूल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ये पहले से थोड़ा सा ड्राई हो गया है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, और चाहें तो छाछ मिला सकते हैं। थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं, और अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप दही का यूज कर सकते हैं। और बस बैटर हमारा रेडी हो चुका है, आप इस बैटर को बहुत ज्यादा पतला ना कर ले। बस इसी स्टेज पर हम इसमें एक पैकेट इनो फूड साल्ट मिला देंगे। इसी बीच मैंने कुकर में एक गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और इडली स्टैंड को भी मैंने ग्रीस कर लिया है। एकदम तेज हाथ से एक बार मिलाएंगे, और ग्रीस की हुई इडली स्टैंड में हम ये इडली का मिक्सचर डाल देंगे। और मैंने ये बैटर इडली स्टैंड भी कर लिया है, बस इस तरीके से हम इसे लगाकर 10 मिनट के लिए कुकर में पकने के लिए रख देंगे। और 10 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, और आप कुकर को गैस पर रखने से पहले उसका विसल जरूर निकाल दें। और देखिए एकदम बढ़िया हमारी इडलियां पककर तैयार हो गई हैं, इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और जैसे ही इडलियां थोड़ी सी ठंडी होती हैं
हम इन्हें निकाल लेंगे। और हमने इन्हें ग्रीस कर लिया था इसलिए इसे निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से मैं सारी इडलियां निकाल लूंगी। ये हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी इडलियां बनकर तैयार हो गई हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। ये रेसिपी अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।